रहे हैं सीएमएन न्यूज़, मैं हूं आपके साथ कनिका। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। पीएम मोदी के तीनों कृषि कानून रद्द करने की घोषणा के बाद यूपी बॉर्डर पर किसान झूमते हुए दिखाई दिए और मिठाइयों का दौर चला। किसानों के हट के आगे आखिरकार मोदी सरकार को झुकना ही पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों विवादित कृषि कानून वापस लेने का फैसला किया है। इस ऐलान के लिए प्रकाश पर्व का दिन चुना गया है। पीएम ने शुक्रवार को राष्ट्र के नाम 18 मिनट के संबोधन में यह बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि सरकार ये कानून किसानों के हित में नेक नियत से लाई थी, लेकिन हम कुछ किसानों को समझाने में नाकाम रहे। तीनों कृषि कानून को लेकर जाने किसान की राय। किसानों ने कहा, हमें मोदी सरकार पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। जब तक यह तीनों कृषि कानून प्लाईमेंट में खत्म नहीं होते, एमएसपी की गारंटी नहीं मिलती, किसान कहीं जाने वाले नहीं है। जय जवान जय किसान के शब्दों के साथ जमकर नारेबाजी की गई। किसानों की माने तो मोदी सरकार पर उन्हें कतई भरोसा नहीं है। बाबा, जानना चाहूंगा आप कहां से हैं, कौन से मठ से हैं, बताएंगे? जी हाँ, मैं पहला तो हूँ हनुमान जी का भक्त, दूसरा बीजेपी का हूँ, मैं बीजेपी शासन वाला हूँ, किसी दूसरे को जानने वाला नहीं। दूसरी बात, जो भी सरकार ने एवं मोदी जी ने बहुत ही अच्छा काम किया है, जो किसानों की बात को सुरक्षित रखा, किसानों को प्रसन्न किया, उसी के उपलक्ष्य में आज हम यहाँ खड़े होकर के गंगा स्नान वालों के सामने, गंगा स्नान वालों सहित सभी को प्रसाद प्राप्त। तो जो 2022 रण है, जो हमारा चुनाव है 2022 में, उसके बारे में क्या कहेंगे बाबा? उसके बारे में मेरा एक ही शब्द का कहना है कि पुनः मैं अपने बीजेपी को चाह रहा हूँ, जिसके द्वारा ना तो कोई मुस्लिम ना कोई हिंदू, सब एक भाई बनकर के काम कर रहे हैं और सभी का बराबर सुना जा रहा है। आज तक कोई भी सरकार ऐसी नहीं हुई कि जितने गरीबों को मकान दिया हो रहने के लिए, जितने गरीबों की स्त्री हो, जितने औरतों की स्त्री हो, औरतों का महत्व मिला हो, आजकल कोई भी सरकार ऐसी नहीं आई है जितने की इन सब के ऊपर ध्यान दिया हो। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।